हाय एवरीवन, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार आज काफ़ी अच्छा दिन है और दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, पर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। तो सेम वैसा का वैसा मेरे साथ हुआ है। मैं जब मॉर्निंग में उठी थी, काम कर रही थी, तो मेरा मूड काफ़ी फ्रेश था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जैसे ही मैं ऑफिस आई तो आते से ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो सुनने के बाद में ना मेरा जो दिमाग था ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैंने इतना गुस्सा किया ना मैं बता नहीं सकती। थोड़ी देर से मेरा मूड ऐसा ही रहा, चिड़चिड़ा। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, जो होना तो हो गया, काम तो करना ही है, तो क्यों ना काम पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। और जब भी छुट्टी हो जाती है ना बीच में, उसके बाद नेक्स्ट डे वाला दिन रहता है ना, उस दिन बहुत काम रहता है। तो बस अभी मैं काम पर लगी हूँ और आज मेरी काम वाली बाई भी नहीं आई है, तो मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। और क्या पता यार सारा गुस्सा उन पर उतर जाता है, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो अभी तक नहीं आए, तो गलत बात है ना यार गाइस। एक समय होता है, और ये फ़ोन देखिए, ये फ़ोन कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ये हमेशा बजता रहता है। तो चलो यार, सर का फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सर का कॉल आ रहा है, तो सर का कॉल इसीलिए आ रहा था क्योंकि आंटी आए हुए थे और इनका सैंपल लेना था। और आंटी की बहन इतनी ज़्यादा पतली थी कि सैंपल लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, फिर भी मैंने एक ही प्रिक में सैंपल लिया। और आपको बताऊँ, आंटी को ना कैंसर है, वो इस उम्र में भी यार इतना मतलब अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, तो मतलब प्राउड है यार, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ आंटी के ऊपर। गाइस अब मैं करूँगी लंच और उधर सेंट्रीफ्यूज चल रही है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सरसर सी आवाज़ आ रही होगी। और ये रहा मेरा डब्बा, तो डब्बे में क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी टाइम क्या बजा पता है आपको? 3:40 हो चुके हैं और आज मैं इतना लेट खाना खा रही हूँ, मुझे ही पता नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। भूख लग रही यार, अब घड़ी देखी तो पता चला भैया इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब खा लेना चाहिए, नहीं खाया तो चक्कर वक्कर आ गए तो मैं यहीं गिर जाऊँगी। और ये लड़का खाना खा के आ गया, इसने एक बार नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं, नहीं खाया तो खा लो, तुम क्या खा के आए हो? लोकी, तो ये लड़का मतलब बहुत कम सब्जियां खाता है, और बोलो ना कि खा ले तो बोलता है मुंह बनाता है नहीं खाना। भैया हर सब्जी खानी चाहिए, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। और टाइम बताऊं मैं आपको, मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं आपको टाइम बता दी। रुको, बज रहे ना 3:40 और मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे बड़े बड़े, तो चलो जल्दी से खाते हैं खाना। गाइस ये जो आंटी वगैरह जा रहे हैं ना ऑटो में बैठकर बाहर, आप देख सकते हो उनके साथ में ना एक छोटी गुड़िया थी और उनकी मम्मा थी। और मम्मा बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब यंग लग रही थी बहुत ज्यादा उसकी मम्मा। और जैसे ही मैंने बेबी को प्रिक किया ना, तो मम्मा इतना ज्यादा रोने लग, कैसे रोने लग गए दीदी, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। तो मैंने उनको समझाया कि आप रो मत, बोले बेबी को काफी दिन से कफ वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चों में एकदम से नहीं जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा सा समझ लो, रोना कम किया। उसमें यार एक बच्चे को जब सुन लेती है तो माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और चंदा अकेली थी तो मुझे कॉल कर दिया, बोले मैं माँ आ जाओ, कोई भी नहीं है, सुमित भी नहीं है, सर भी नहीं थे, तो मुझे आना पड़ा। और वो जिस तरह से रो रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद एक बार नहीं लेने देगी, बट अच्छे से मैंने ले लिया। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कोई भी नहीं था, हेल्प के लिए चंदा थी तो इसने हाथ पकड़ा और मैंने सैंपल लिया, और शूट करने वाला कोई नहीं था तो भैया नहीं शूट हुआ। पर कोई बात नहीं यार, उसकी मम्मा भी बहुत ज्यादा रो रही थी, मुझे वो सब देखकर ना बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, रहने दो यार, कुछ कुछ चीजें नई भी शेयर कर दे तो चलता है। तो चलो वापस से मुझे उधर जाना, और मौसम बहुत बदल गया है, अजीब सा हो गया है, गर्मी बहुत लग रही है बट धूप नहीं है, बट चिपचिपाहट हो रही है, तो अब क्या पता फिर से बारिश ना हो जाए। बारिश जैसा लग रहा ना चंदा यार, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से बिन मौसम बारिश हो रही है। भैया कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, तो मतलब ऐसा नहीं हो कि बारिश हो जाए, ये अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, अगर बारिश होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। चलो चलते हैं, और जैसा तो दिख रहा था, दिख ही रहा है ना, ये देखिए देखिए बारिश जैसा दिख रहा है, चलता बोल रही है हिसाब। तो चलो उधर चलते हैं और फटाफट से सैंपल वगैरह लगाते हैं और रिपोर्ट बनाकर रेडी रखते हैं। रहे हैं दीदी सफाई, और इधर का सारा क्लीनिंग हो चुका और आज लेट आए थे, उन्हें कुछ काम था इसलिए, तो बाहर का झाड़ू भी लग चुका है। और इधर हमारे टेक्नीशियंस लगा रहे हैं टेस्ट। तो क्या लगा रहे हो आप? सीबीसी सीआरपी बच्चों का, जिसका मैं सैंपल लेकर आई हूँ उसका? तो किसका, कौन है ये आपकी गर्लफ्रेंड? आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ सबको जल्दी से, एक बार बोलना जरा, इधर देख के बोलना जरा, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम? नाम भूल गए गाइज? इनकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स पता है? 10 से 12 गर्लफ्रेंड है, और इनकी शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे फिर भी आदमी गर्लफ्रेंड बनाता है, ये बिल्कुल नहीं सुधरता है। अब इनकी वाइफ को जाकर मैं करूंगी कंप्लेन, है ना?
या इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इनकी इनकी वाइफ ने वीडियो देख लिया ना, मतलब इन भाभी ने वीडियो देख लिया ना, तो वो मेरी पिटाई कर देंगे आगे की, तो मेरे पति को बदनाम कर रही हो। मेरा पति तो, मेरा पति परमेश्वर है भैया, भोलेनाथ जी का रूप, मेरा पति इतना सीधा है। इनकी इनकी वाइफ ना इन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करती और इनको अच्छा पति समझती है, पर ये अच्छे पति नहीं है। मैं जानती हूँ इन्हें, ये कितने बेकार है। ये लैब में आते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं, फोन पे लगे रहते हैं एनी टाइम। मैंने सही कहा ना ये? कितना मजा आता ना इस लड़के को परेशान करने में। चलो चलो तुम्हारा हो गया तो मुझे दे दो, मेरे को एंट्री करनी है। नहीं तो पता चला कि भाभी की डांट तो नहीं पड़ी, बट सर की डांट जरूर पड़ जाएगी मुझे कि काम के टाइम पे ब्लॉगिंग कर रही है लड़की। सच बताऊं मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे ही पता नहीं चलता। मैं जब ऑफिस आती हूँ ना, तब से लेके शाम तक मतलब घड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना जल्दी मेरा टाइम निकल जाता है। मैं सच बताऊँ मेरा स्टाफ ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उन लोगों के साथ काम करती हूँ ना, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ऑफिस आई हूँ, ऐसा लगता है बस घर का माहौल है। तो यहाँ पर अब फिर अंकल आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनका भी सैंपल ले लेते हैं। और चंदा भी बहुत अच्छी लड़की है, सुमित भी बहुत अच्छा है, वो लोग मेरी बहुत हेल्प करते हो। सच बताऊँ उन लोगों के बिना मैं आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो लोग ना हो तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकती यार। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। अगर आप देखोगे ही नहीं तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा ही नहीं ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और बस ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और अंकल की बहन तो बहुत अच्छी थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर सैंपल ले लिया। और सुमित पता है, मुझे पता ही नहीं कि सुमित अभी तक शूट कर रहा है। मुझे लगा कि मैंने सैंपल लिया, उसके बाद उसने बंद कर दिया और फिर बोलता है प्लीज़ मैम आप एक बार मेरी तरफ़ देखिए। ये बात सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आ गई और मेरे चेहरे पर अचानक से स्माइल आ गई। तो अभी देखना मैं कितना ज़्यादा हंसती हूँ उसकी बात सुनकर। और मैं उसको बोल रही हूँ कि इन अंकल को ना मैं जानती हूँ, ये काफ़ी पुराने पेशेंट है। तो सुमित बोलता है अच्छा आपको नाम भी याद है? मैंने बोला बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे रोटी बनाते हुए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्या पता मुझे लग रही है, इन सब लोगों को तो नहीं लग रही है, पर हालत खराब हो रही है। ऐसी गर्मी रहेगी तो खाना कैसे बनेगा? गोल गोल रोटी। हाँ मैं पंखा लगाऊंगी किचन में वापिस, कल पंखा मंगवाया जाएगा। तो गाइस खाना वाना बनाने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद में फिर थोड़ी मस्ती वस्ती की दोनों ने मिलकर। और अब इस वीडियो का यहीं पर मेक करूँगी एंड। और मेरे बालों की हालत आप देख सकते हो। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन यार फिर मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो रहने दो यार, ऐसे ही वॉश कर लेंगे। कभी कभी आलस बहुत आता है और मैं सच बताऊँ मैं बहुत थक जाती हूँ। सब लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत फ्री रहती हूँ और सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, पर नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ऑफिस के काम, घर के काम, सारी चीज़ें। और अभी आपको पता है मैं देख रही हूँ मूवी, और कौन सी मूवी देख रही हूँ यार, मूवी का नाम नहीं पता। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताना। ये पता नहीं कौन सी है, अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन की मूवी है, मुझे भी नहीं आइडिया है कौन सी है, बस यही मैं देख रही थी। बोर हो रही थी खाना वाना बनाने के बाद में, और मुझे इतनी जल्दी नींद आती नहीं। हाँ मैं थक जाती हूँ पर मैं जल्दी सोती नहीं हूँ, मैं सोती हूँ 12 बजे तक और फिर सुबह लेट उठती हूँ, और लेट उठती हूँ और पता है ऑफिस जाने में लेट जाती हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है। बट मैं आज सोच रही कि मैं अब सोऊंगी इसका एंड करके, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठूंगी और जल्दी ऑफिस जाऊंगी और सारे काम निपटाऊंगी, क्योंकि एक अच्छी लड़की बनना है मुझे, तो उसके लिए जल्दी सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मेरी आदत पड़ जाएगी लेट उठने की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है लेट उठने से, इसलिए हमें जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए। और सब लोग कहते हैं कि जल्दी उठने से ना दिन अच्छा होता है, तो सच में भी ये बात सही है। और बचपन में तो कभी जल्दी उठे ही नहीं, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं भैया मेरे कि उन्होंने मुझे कभी जल्दी उठाना सिखाया ही नहीं। वो बोलते थे जब मेरी मम्मी चिल्लाती थी, मेरे पापा बोलते थे सोने देना बच्चों को, क्यों जल्दी उठाती है, तो फिर मम्मी ना नहीं उठाते थे। तो थैंक यू मम्मी, आपके राज में तो हमने बहुत सारा मतलब रेस्ट किया है, लेकिन अब ऐसे दिन आ गए हैं कि खुद से खाना बनाना पड़ रहा है, सारे काम करने पड़ रहे हैं। सच में यार माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो चलो इसी के साथ में इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं बिल्कुल भूत जैसी लग रही हूँ, सारे बाल बिखरे हुए हैं, और मैं देख लेती हूँ थोड़ी सी मूवी। वैसे तो मैंने देखी हुई है पर ऐसे टाइम पास के लिए लगा ली थी, तो चलो इसे थोड़ा बहुत देखूंगी, फिर टीवी बंद करूंगी, फिर मैं सोऊंगी। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ गाइस सब्सक्राइब करें बिना, प्लीज़ मेरे चैनल।